हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लोग वॉलंटरीली एसोसिएट होते हैं और टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू ए जॉइंटली ओन डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंटरप्राइज। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड शेयरिंग। इट हेल्प्स पुअर, इलिटरेट एंड अनस्किल्ड पीपल। तो बेसिकली क्या होता है कि कोऑपरेटिव्स में, इसमें बेसिकली कुछ लोग हैं वो एक साथ मिलके कुछ एक प्रोडक्ट या कुछ जो उन्हें सर्विस जो भी कुछ प्रोवाइड करना होता है, कुछ एक बेसिक आइडिया रहता है उसको वो शुरुआत करते हैं। सब उसमें थोड़ा थोड़ा मनी पूल करते हैं और उसके हिसाब से उनका उसमें वोट भी रहता है कि परसेंटेज ऑफ जो उन्होंने मनी मनी पूल करा है उसमें, और तभी वो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल रहता है कि सबका वोट रहता है उसमें। कुछ को जो भी उसके पार्टनर रहते हैं उन सबका वोट रहता है और जो डिसीजन लिया जाता है वो भी कलेक्टिवली लिया जाता है, ना कि एक ग्रुप लेता है। बेसिकली कलेक्टिव डिसीजन रहता है, तो इसलिए डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है। और ये जो कोऑपरेटिव्स रहते हैं बेसिकली पुअर, इलिटरेट और अनस्किल्ड पीपल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि जो स्किल्ड हैं और जो लिटरेट लोग हैं वो कहीं जॉब कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन पुअर, इलिटरेट और अनस्किल्ड पीपल के लिए अगर वो एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं तो ग्रुप की बहुत पावर हो जाती है और उनको जो कुछ आइडिया है वो उसको आइडिया को परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर रहते रहते अपनी स्किल बढ़ाते हैं, स्किल्स बढ़ा बढ़ा के उसको प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन टाइप से देखते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट ने बहुत मदद करी है, बहुत सारे लोगों को गरीबी से बाहर भी निकाला है कोऑपरेटिव्स ने। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम बेसिकली दो फेसेस में पढ़ेंगे, एक है प्री इंडिपेंडेंस और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो प्री इंडिपेंडेंस में 1904 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लेके आई थी, जो बेसिकली पहला एक्ट था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ाने के लिए या उनको मान्यता देने के लिए पहला एक्ट आया था, तो कोऑपरेटिव एक्ट 1904। बट ये रेस्ट्रिक्टिव था, बेसिकली इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, ज़्यादा ओपन नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो पहले जैसे आया था क्रेडिट सोसाइटीज़ अकेली थी, नॉन क्रेडिट और अदर सोसाइटीज़ को इसके परव्यू से बाहर रखा गया था, तो ये इसके अंदर नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 आया, जिसमें इन ये सब खामियों को हटा दिया गया। वो नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए भी था, सोसाइटीज़ दूसरी सोसाइटीज़ को भी उसने इंक्लूड करा अपने अंदर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1919 में मोंटागू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। पहले ये प्रोविंशियल नहीं था, कि क्या होता था ब्रिटिश टाइम में, एक प्रोविंशियल होते थे, जैसे अभी होता है स्टेट होता है और सेंटर होता है, तो ऐसे ही प्रोविंस होते थे और एक सेंटर वहाँ पर सेंटर होता था। तो पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वो बेसिकली सेंटर का सब्जेक्ट था, लेकिन फिर उन्होंने इसको मूव कर दिया 1919 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, जिससे कि प्रोविंस भी अपने अपने हिसाब से रूल बना के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे सकें। और फिर 1942 में मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट लेके आए, जिसमें क्या हुआ था कि दो अलग अलग प्रोविंस के लोग भी अलग अलग, अगर कोई प्रोविंस अलग प्रोविंस के हैं और वो लोग मेंबर बनना चाहे कोऑपरेटिव के तो भी बन सकते हैं 1940। तो आइए पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने फाइव ईयर प्लान को फाइव ईयर प्लान चुना था, उसमें इसको कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया, कि क्योंकि पता था पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अधिकतर लोग इलिटरेट हैं, अनस्किल्ड हैं, तो उनके लिए कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए अलग अलग कमेटीज़ बनी थी, एक थी रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी 1954 में, उसने रिकमेंड करा था कि कोऑपरेटिव बी एक्सपेक्टेड एज ए पैन इंडिया पॉलिसी इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पार्टिकुलरली इन दोज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। सो बेसिकली कोऑपरेटिव्स आप लेके आओ हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, पर एग्रीकल्चर में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही बेसिकली ज़्यादा एग्रीकल्चर कंट्री है हमारी, तो उसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर कोऑपरेटिव्स रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इंडिया को। और फिर 1958 में एनडीसी बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसने बना नहीं, बेसिकली पहले से था। 1958 में एनडीसी ने रिकमेंड किया था पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स एंड फॉर ट्रेनिंग पर्सनल सेटिंग ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, तो एनडीसी ने ये रिकमेंड करा था। 1982 में फिर नाबार्ड आया था, नाबार्ड भी लोन प्रोवाइड्स करता है छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, बेसिकली उनको बढ़ाने के लिए नाबार्ड्स भी हेल्पफुल है। 1984 में
पार्लियामेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट लेके आया। बेसिकली अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे, तो सब लॉज को एक एक करके उन्होंने एक जनरल लॉ बनाया, जिसमें डिफरेंट लॉज गवर्निंग द सेम टाइप ऑफ सोसाइटी के अलग अलग लॉज थे, तो उनको बेसिकली एकजुट करा था इस वाले एक्ट में उन्होंने। और एक सक्सेस स्टोरी है बेसिकली वाइट रेवोल्यूशन की, जो आप सब लोग जानते होंगे, वर्गीज कुरियन। ये बेसिकली वाइट रेवोल्यूशन के, इन्होंने वाइट रेवोल्यूशन को फैला इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए था, और इसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का। इसमें क्या होता है, फार्मर लोग जो कैटल रखते हैं वो दूध निकालते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और फिर एक कॉमन पूल करके वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई होता है। तो ये वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली एक कोऑपरेटिव की वजह से सक्सेस स्टोरी है ये। फिर नेशनल पॉलिसी कोऑपरेटिव्स इन 2002 आया, इसने बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसको सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर ऐसा बुनियादी ढांचा बनाया जिससे कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हो सके और रीजनल इम्बेलेंस घट सके, अलग अलग रीजन का भी अलग अलग और सेम डेवलपमेंट हो सके। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ाए, ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ाया जाए। तो ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स की मेन पॉइंट, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स 2002 के मेन पॉइंट्स थे। द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, तो बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी कि कोऑपरेटिव्स को और कैसे फैलाया जाए, इनको और कैसे पावर दी जाए ताकि ये और मास लेवल पे लोगों की मदद करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। तो इसलिए अलग अलग कमिटीज़ बनी। तो ये कुछ कमिटीज़ बनी गई इंडिपेंडेंस से, एक ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी 1954 में, चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी विच प्रपोज द मॉडल लॉ। मॉडल लॉ बेसिकली एक लॉ है कि इस तरीके का मॉडल लॉ होना चाहिए कि बेसिकली कोऑपरेटिव्स के क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से उनको फैलाना चाहिए। तो 1990 में यह आया था, मिर्धा कमेटी 96 में, जगदीशपुर 2000 में, वीके पाटिल कमेटी 2001 में, वी एस व्यास कमेटी 2001 एंड 2004 में। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर इंडिया। कोऑपरेटिव सेक्टर का इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर आइए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या बेसिकली फ़ायदे हैं कोऑपरेटिव्स के। तो कोऑपरेटिव्स की बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजेशन पुअर रिलेटेड और अनस्किल्ड को बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, इसलिए खासतौर से इंडिया के तौर से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन करता है। इसमें जब लोग बाग काम करेंगे उनकी कुछ इनकम होगी तो पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस होगी। सोशल इंटीग्रेशन भी होता है क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिर अपना डेमोक्रेटिकली डिसीजन लेते हैं, तो सोशल इंटीग्रेशन भी इसमें अच्छा होता है। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और स्मॉलर कॉटेज इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं, रूरल डेवलपमेंट होता है, और एग्रीकल्चर को क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या होता है कि एग्रीकल्चर में पहले इंसान कुछ क्रॉप उगाते हैं, फिर उसके बाद उनको बेचते हैं, तब उनके पास पैसा आता है। तो जब क्रॉप का पर इस काम स्टार्ट करने से लेके बेचने तक, सेलिंग तक, उनके पास पैसों की कमी रहती है, तो इस समय पे उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो कुछ बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी जगह पर जैसे स्टेट और प्राइवेट भी नहीं कर पाते, वहाँ पर कभी कभी कोऑपरेटिव्स कर देते हैं। और नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सोसाइटीज़ मीट देयर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स एट कंसेशनल रेट्स। तो बेसिकली जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं सस्ते मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स का पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव्स की, तब से इंडिया में इंडिपेंडेंस से पिछले सालों में कि कोऑपरेटिव्स का कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो ये बेसिकली फिगर्स हैं, जैसे 1.8 लाख कोऑपरेट नंबर ऑफ सोसाइटीज़ थी 1951 में जब पहला प्लान स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जब प्लान एट 1992 में 3.53 था, फिर 137 मेंबरशिप थी, 1240 लाख हो गई, फिर शेयर कैपिटल था 3581 हो गया, वर्किंग कैपिटल इन करोड्स 276 था, 34248 हो गया। तो ये बेसिकली कुछ फिगर्स हैं कि किस तरीके से कोऑपरेटिव्स ने प्रोग्रेस किया है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर की, हमने बेनिफिट्स देखे, बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा, पर कुछ कुछ इसके अंदर इशू भी हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा पाया जितना ये पहुँचा सकता था। तो बेसिकली एक तो मिसमैनेजमेंट, मैनिपुलेशन, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इसके अंदर जो मैनेज है वो सही से मैनेज नहीं करते, और मैनिपुलेशन होता है। क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे करके अपना मनी पूल करके कोऑपरेटिव बनाते हैं। अब जो ज़्यादा मनी देते हैं तो वो बेसिकली उनकी पावर ज़्यादा हो जाती है, वोटिंग पावर या उनका इन्फ्लुएंस, आप कुछ भी कह दीजिए, वो ज़्यादा हो जाता है, तो मैनिपुलेट करते हैं और अपने खुद के प्रॉफिट के हिसाब से उसको कॉपरेट को कभी कभी यूज़ करते हैं।
तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें मिसमैनेजमेंट मैनिपुलेशन की। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसलिए बेसिकली बहुत सारे लोगों का समूह है, तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं अवेयरनेस, कि लोग बागों में अवेयरनेस नहीं रहती कि कोऑपरेटिव को कैसे चलाया जाए। और अगर ये भी नहीं पता रहता कि कोऑपरेटिव हम बना सकते हैं, हमें कौन मदद करेगा, हमें कहाँ से पैसा मिलेगा, कैसे हमें फंड इकट्ठे हो पाएंगे, ये सबके अवेयरनेस नहीं है। और स्मॉल साइज़ और सिंगल पर्पस रहता है कि छोटा साइज़ रहता है और कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस रहता है, तो ज़्यादा बड़े स्केल पर या लेवल पे बहुत पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है। कुछ कुछ पहुँच भी जाते हैं पर अधिकतर नहीं। और फंक्शनल वीकनेसेस, डे टू डे वर्किंग की, डे टू डे वर्किंग कैसी हो, बैलेंस शीट और इन सब चीज़ों का जो फंक्शनिंग होती है किसी एक प्रॉपर कंपनी में, वो थोड़ा इसमें मिसमैनेज रहता है। और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की, प्रोफेशनल्स नहीं रहते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मैनेज अच्छे से कर सके, वो प्रोफेशनल्स की बहुत कमी रहती है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या क्या कौन कौन सी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, जैसे नाफेड है एक बड़े लेवल की, इफको, क्रिप्को, अमूल, मदर डेयरी, इंडिया कॉफ़ी हाउस, दीज आर द कोऑपरेटिव सक्सेस स्टोरीज इन इंडिया। अमूल है, मदर डेयरी, इंडिया कॉफ़ी हाउस है, ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर लेके आज बड़े हुए और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और गरीबी से भी बाहर निकाला है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनके बेनिफिट्स, उनके इश्यूज़। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।